कि बाबा ने हमें दो पाठ पक्के कराए और बच्चे तो जल्दी में याद करने में आदती होते हैं। दो पाठ बाबा ने कौन से पढ़ाए? एक तो ये पाठ पढ़ाया कि तुम आत्मा हो। हमको तो आत्मा शब्द का ही पता नहीं था, लेकिन बाबा ने इतना स्पष्ट सुनाया, बच्चे थे लेकिन बाबा में पावर इतनी थी, जो शब्द बाबा कहता था ना, वो हम मेजॉरिटी बच्चों को इतना याद पड़ जाता था जो भूल नहीं सकते। तो बाबा ने कहा आप आत्मा हो, और हमको इतना ये पाठ पक्का हो गया, जो हमारा अनुभव है बचपन का, तो हम किसी से भी बात करते थे, देखते थे तो यहीं देखते थे, यहीं आत्मा का निवास स्थान है ना, तो यहीं देख करके बात करते थे, और पता थोड़े पड़ता है, मानो आपकी मैं आँख में देख रही हूँ या ब्रिकुटी में देख रही हूँ, पता नहीं पड़ता है दूसरे को। तो हम चलते फिरते मिलते बस आत्मा को, मस्तक में आत्मा को ही देखते थे। आत्मा आत्मा से बोल रही है, आत्मा आत्मा का सुन रही है, इतना पाठ पक्का हो गया, जो हम उसी मस्ती में रहते थे कि परमात्मा से हम आत्मा मिल गए। और दूसरा पाठ बाबा ने क्या पढ़ाया? बाबा का प्यार इतना बच्चों से था, गुड मॉर्निंग भी करते थे, गुड नाइट भी करते थे, और दिन में बाबा स्वयं हाथों से फल काट के ले आते थे, क्योंकि हमारे क्लासेस चलते थे तो रिसेस के टाइम बाबा आते थे, फल लेकर के एक एक बच्चे को ऐसे मुख से खिलाता था। तो बाबा का प्यार ऐसा रूहानी था, इतना पावरफुल था, जो दूसरी कोई बातें याद आना ही मुश्किल थी। दूसरा पाठ बाबा ने क्या पढ़ाया? बाबा ने कहा बच्चे तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम मेरे चेतन ठाकुर हो। ओ भक्ति में घरों में छोटे छोटे ठाकुर चांदी सोने के बना के रखते हैं ना, तो बाबा कहता था तुम मेरे चेतन ठाकुर हो। तो हमको ये भी नशा था, तो मैं ठाकुर माना देवता, तो मैं देवता भी हूँ और आत्मा भी। और इस स्मृति में रहने से ऑटोमेटिकली हम लोग कभी दुखी नहीं होते थे। और बाबा ने कहा तुम बच्चे ही लक्ष्य स्वमान इतना दिया, बाबा ने कहा तुम बच्चों से ही ये भारत स्वर्ग बनना है।
तो हमें यही याद रहता था, तो हमें भारत को स्वर्ग बना नहीं, उसके लिए फिर सीखें तो मिली दिव्य गुण वगैरह सारी सीखें मिली, टीचर्स भी थी।